Now students, हम इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट पर आएंगे. इन सेकेंड पार्ट देर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1 हमने टास्क से रिलेटेड जो हमारा था दिसंबर का, उसमें हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट 7 के वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थर्ड पेज पे होगा. बी केयरफुल, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कॉपी पर है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कॉपी पर है और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कॉपी पर है. लेकिन जो एक्सरसाइजेस आपके टास्क में लिखी हुई वो सिर्फ आपकी बुक पर है, आपने उसे कॉपी पर नहीं करनी. ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 आपने अटेम्प्ट करने से पहले साइड पर आपने डबल मार्जिन लाइन लगानी है, नीट एंड टाइडी. आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए. आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी पेंसिल भी है. देन यू हैव टू राइट डाउन द डेट. ठीक है, आज की डेट लिखनी है जो हमने आज लेक्चर अटेंड किया है. जिन स्टूडेंट्स का डेट और डे का ब्लॉक बना हुआ है इस तरह से, आप देख सकते हैं ये डेट और डे है, तो आपने यहाँ डेट की जगह पर आज की डेट लिखनी है. ठीक है, और डे पर आपने लिखना है मंडे. ठीक है, दोनों टाइप के जो पेजेस के पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को बाद में डिफिकल्टी ना हो. देन आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद आप लिखेंगे अंडरलाइन द प्रोनाउंस. अंडरलाइन में यू कैपिटल लेटर में है. अब वाई यू कैपिटल लेटर में, बिकॉज वेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल लिखते हैं. जिस तरह नाउंस होते हैं, ऑल नाउंस वी राइट इट कैपिटल लेटर, उनका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लेटर में होता है. उसी तरह वेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल लेटर में होता है. अंडरलाइन, अंडरलाइन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, आप ये लिखेंगे. देन प्रोनाउन, प्रोनाउन प्री कैपिटल लेटर, प्रोनाउन के अपने फुल स्पेलिंग्स लिखने हैं. देन फुल स्टॉप. इसके बाद आपने रूलर पेंसिल से इसे डबल अंडरलाइन, आपके पास रूलर होना चाहिए मस्ट, हाथ से किसी ने भी लाइन नहीं लगानी है. बी केयरफुल, आपके पास आपका ये जिसे आप फोर्ट भी कहते हैं रूलर हो, आपने इस तरह से रखना है और उसे डबल अंडरलाइन आपने करना है. ठीक है, देन आपने स्टेटमेंट लिखनी है. स्टेटमेंट से पहले आप लिखेंगे नंबर 1, देन ही एच कैपिटल लेटर, ही इज अ ब्रेव बॉय. ठीक है, देन फुल स्टॉप. व्हाई वी पुट अ फुल स्टॉप, वी पुट अ फुल स्टॉप व्हेन वी एंड अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस को एंड कर लेते हैं तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे नंबर 2, शी एस कैपिटल लेटर इज अ प्रीटी गर्ल. ठीक है, फुल स्टॉप. देन आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को फिर लिखिएगा, नंबर 3 लिखिए, इट इज अ टॉल ट्री, फुल स्टॉप. फिर आपने नंबर 4 स्टेटमेंट लिखनी है, यू आर स्लिपिंग. ठीक है, ये लिखने के बाद देन फुल स्टॉप. अब आपकी चारों की चारों स्टेटमेंट्स हो गई हैं. दी स्टेटमेंट्स में उन्होंने कहा है प्रोनाउन को अंडरलाइन करें. तो प्रोनाउन क्या चीज है? प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. आपकी क्लासेस में पहले से ही हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन करवाई हुई है. अब आपने जस्ट क्या करना है, गुड बॉयज की तरह आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन को अटेम्प्ट करना है. वहां पहले आप रिवाइज करेंगे, रिकॉल करें, आपका जो ट्रायंगल बना हुआ है उससे बैक साइड पे आप जाएंगे, आपकी प्रोनाउन की डेफिनेशन होगी, आप उसे अच्छी तरीके से पहले रीड कीजिएगा. देन यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, फिर आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा. ठीक है, आपके सामने मैं रिपीट कर रही हूँ. व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. एंड व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. एनी नेम, अली, अहमद, सारा, एनी एनिमल्स नेम, लायन, टाइगर. ठीक है, एनी बर्ड नेम, आप स्पैरो, पिजन, पिकॉक, ऑल आर द नाउन, इन सबके नेम्स हैं. देन इसके बाद हमने क्या करना है, आप प्रोनाउन में उसको चेंज करेंगे. किस तरह से? अगर कोई पर्सन है जैसे कि अली है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ही, और अगर सारा है तो हम उसके लिए यूज करते हैं शी. ठीक है ना, सो और इफ देयर इज एन एनिमल, अगर कोई एनिमल है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई ट्री है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट. ठीक है ना, किसी और पर्सन के लिए हम यूज करते हैं यू. जहां पे प्रोनाउंस आ जाते हैं प्लूरल में आ जाते हैं, वहां हम यूज करते हैं दे एंड वी का इस्तेमाल करते हैं. और देन द वर्ड इज, अपने लिए हम हमेशा आई का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, सो ये द वर्ड्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ही, शी, इट, यू, वी एंड दे, ऑल आर द प्रोनाउंस. ठीक है, आपकी अगर नोटबुक्स पे मी एंड माई है, इट्स ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, सो उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपनी च्वाइस के कोई भी कलर पेंसिल लेंगे एंड यू हैव टू अंडरलाइन इट नीट एंड टाइडी. नीट एंड टाइडी करेंगे
ये आप मेरे पास आप देख रहे हैं कलर पेंसिल है, ठीक है। मैंने रेड और ग्रीन ली, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने यहाँ से रेड को अंडरलाइन किया था, आपकी चॉइस आप ग्रीन लें, डार्क ब्लू लें, लेकिन डार्क कलर लीजिएगा। आपके पास रूलर पेंसिल होनी चाहिए। एंड देन ही इज अ ब्रेव बॉय। ही अगर यहाँ पर हमारे पास होता वर्ड इज द अली, तो हम अली की जगह पे क्या यूज किया, ही, तो आप इसे अंडरलाइन कर देंगे। देन हमारे पास वर्ड आ जाता है शी, तो अगर यहाँ पर होती सारा, तो सारा के लिए हम प्रोनाउन यूज करते शी, तो आपने रूलर पेंसिल से इसे डबल अंडरलाइन करना है कि हमारे पास प्रोनाउन है। देन ट्री है, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, इट, आप इसे डबल अंडरलाइन कर देंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है यू, इसका मतलब है तुम, ठीक है, इसे आप डबल अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। सो दीज ऑल आर प्रोनाउंस, आपने इसे नीट एंड टाइडी करना है। इसको करने के बाद आपने एंडिंग लाइन लगाएंगे। एंडिंग लाइन किस तरह से है, दोबारा से बता रही हूं कि आपकी जो ये लाइन है फर्स्ट लाइन, इस पे ये आपने रूलर लेना है एंड यू हैव टू ड्रॉ द एंडिंग लाइन नीट एंड टाइडी। फिर आपने अपने तीनों क्वेश्चंस को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर वन जो वर्ड्स मीनिंग का था, यूनिट सेवन से रिलेटेड, देन यूनिट सेवन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर टू वर्ड सेंटेंसेस है, आपने उसे अटेम्प्ट करना है। देन क्वेश्चन नंबर थ्री को आप करेंगे, ठीक है, एंड नीट एंड टाइडी आपने इन थ्री वर्क को कंप्लीट करना है। और इंशाल्लाह आई विल चेक इट इन माय नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।